पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग की टॉप पोजीशन उनसे छिन गई है। भारत के शुभमन गिल 830 पॉइंट्स के साथ वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं। वही हुआ जिसका डर था। बाबर आजम 938 दिन बाद, लगभग 3 साल बाद नंबर 1 रैंकिंग से नीचे आ गए। बाबर आजम नंबर 2 बन चुके हैं और शुभमन गिल, इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल, नंबर 1 पर आ गए हैं। देख कचरा ले सर, कैसे खुराक मांग रहा है तेरे बस की। सड़क जमीन में गाड़ दूंगा, देखे घर वाले ढूंढते। किसका आतू? बस ये चेहरा ध्यान रख, आइंदा आ रहा हूँ ना तो साइड में खड़ा हो जाइए। मोहम्मद सिराज जो इंडिया के बॉलर है वो भी नंबर 1 पर आ चुके हैं ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग्स में। शाहीन शाह अफरीदी पिछले हफ्ते शाहीन अफरीदी नंबर 1 थे, लेकिन शाहीन को 5वें नंबर पर धकेल दिया उन्होंने। आपके सवाल जहन में आएगा कि यार सिराज के विकेट तो हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं है वर्ल्ड कप में, वो रैंकिंग में नंबर 1 कैसे हो गए? शुभमन गिल जो है वो हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं है वर्ल्ड कप, तो वो कैसे नंबर 1 हो गए? बाबर आजम मैच विनर थोड़ी है, वो अपनी इनिंग्स को बनाता है, इम्प्रोवाइज करता है, ड्राफ्ट करता है, फिर लेके चलता है, फिर शॉट्स खेलता है, वो इन दी एंड फिनिश करता है। लेकिन वो 40 बॉलों में 100 नहीं करता। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बना ना कि वो मैच विनर, मैच क्या बोला था जुमला, मैच विनर, मैच विनर, वो नहीं है। सचिन तेंदुलकर को के वो जाते हैं और 2 घंटे लगाते हैं अफगान क्रिकेट टीम के साथ। कि जिस तरह से कल सचिन तेंदुलकर गए हैं उनके कैंप में, उनको टिप्स दी, फिर इरफान पठान जितने ज्यादा उनके साथ जेल नजर आते हैं। सचिन तेंदुलकर जो है, जो कि ब्रांड एम्बेसडर है आईसीसी वर्ल्ड कप के, वो अभी तक तो मैंने नहीं सुना था किसी और टीम के साथ गए हो। हमारे आईसीसी के जो पाकिस्तानी जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं आईसीसी में, वो भी दुबई में बैठे हैं, उनको भी वीजा नहीं दिया गया। तो अगर डायरेक्टर मीडिया को उन्होंने वीजा नहीं दिया तो फिर बाकी लोगों को, उससे आप अंदाजा ये लगा लीजिए कि वो उनकी पॉलिसीज कितनी सख्त था। बाबर आजम 938 दिन बाद, लगभग 3 साल बाद नंबर 1 रैंकिंग से नीचे आ गए। बाबर आजम नंबर 2 बन चुके हैं और शुभमन गिल, इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल, नंबर 1 पर आ गए हैं। पहली दफा 3 साल में कोई बल्लेबाज बाबर आजम से ओडीआई रैंकिंग्स में ऊपर आया है। बाबर आजम की रेटिंग पॉइंट्स है 924 और शुभमन गिल के 930। ये 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है जो 3 साल बाद बाबर आजम को अपनी टॉप पोजीशन से नीचे ले आया है। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस चीज पर, क्योंकि पाकिस्तान फैंस खुश नहीं है बीसीसीआई के डिसीजन से। वो कह रहे हैं कि शुभमन गिल ने तो 90 किया था श्रीलंका की टीम के खिलाफ, उसके बाद 24 स्कोर किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जबकि बाबर आजम की मैच विनिंग इनिंग्स 66 नॉट आउट की आई न्यूजीलैंड के गेस्ट, जो कि एक बहुत तगड़ी टीम है जिसकी रैंकिंग बहुत बेहतर है श्रीलंका से। तो बाबर आजम नंबर 2 पर कैसे आ गया? बाबर आजम को नंबर 1 होना चाहिए और रहना चाहिए था, और फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शुभमन गिल बाबर को इस वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर पाएगा। लेकिन जो हुआ आपके सामने है, इसको बीसीसीआई की साजिश कहे, इसमें बीसीसीआई का हाथ कहे या कुछ भी कहे, लेकिन शुभमन गिल आप ऑफिशियली नंबर 1 बन चुके हैं। और विराट कोहली, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर के बाद शुभमन गिल चौथे इंडिया के बल्लेबाज हैं जिन्होंने नंबर 1 रैंकिंग संभाली है। साथ साथ मोहम्मद सिराज जो इंडिया के बॉलर है वो भी नंबर 1 पर आ चुके हैं ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग्स में। शाहीन शाह अफरीदी पिछले हफ्ते नंबर 1 थे, बल्कि पिछले साल तो शाहीन अफरीदी का नंबर 10 था, पिछले हफ्ते शाहीन अफरीदी नंबर 1 थे, लेकिन शाहीन को 5वें नंबर पर धकेल दिया उन्होंने। शाहीन ने 90 रन कंसीड किए थे पिछले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और शाहीन पहले से 5वें नंबर पर गिर गए। इसके बाद मोहम्मद सिराज की ये दूसरी दफा, इसी महीने दूसरी दफा मोहम्मद सिराज जो है वो दोबारा से नंबर 1 आए हैं। इंडिया के एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने बहुत सारी विकेटें ली हैं और वो डिजर्व भी करते हैं। एशिया कप फाइनल के बाद भी वो नंबर 1 आ गए थे, उसके बाद जॉश हेजलवुड ने उनसे वो रैंकिंग छीन ली थी, तो अब दोबारा से नंबर 1 हो चुके हैं वो। पिछले हफ्ते बाबर आजम और शाहीन नंबर 1 थे बॉलिंग और बैटिंग में, इस हफ्ते शुभमन गिल और सिराज नंबर 1 थे बॉलिंग और बैटिंग में। तो साउथ एशिया के लिए इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर साउथ एशिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए इतनी प्राउड मोमेंट अब नहीं रही वो, अनफॉर्चुनेटली। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली दिग्गज बल्लेबाज इंडिया के नंबर 4 पर आ चुके हैं, 770 उनके रेटिंग पॉइंट्स हैं। जो क्विंटन डिकॉक है नंबर 3 पर, वो है साउथ अफ्रीका के सलामी ओपनिंग बल्लेबाज, उनके 771 रेटिंग पॉइंट्स हैं। तो विराट भी अब दोबारा से टॉप 3 में आने वाले हैं और हो सकता है कि नंबर 1 पोजीशन के लिए आगे आने वाले वक्तों में वो भी लड़ाई करें। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जानना कि इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा अब नंबर 6 पर आ गए हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी एफर्ट है। शुभमन गिल एंड मोहम्मद सिराज हैज डीथ्रोन्ड एंड रिप्लेस्ड बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी फ्रॉम the rank of ODI number 1 batter and number 1 bowler. और अब इंडियंस का राज है T20 रैंक ओडीआई रैंकिंग्स के अंदर, चाहे हम बॉलर्स की लिस्ट की बात करें या हम बात करें बैटर्स की लिस्ट की। आज से चंद महीने पहले 3-3 पाकिस्तानी बैटर्स थे, लेकिन अब टॉप 10 में ऐसा मामला आ चुका है कि सिर्फ तन्हा बाबर आजम है, और ना फखर है ना इमाम है, लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा था कुछ अर्से पहले, यार ये तो रैंकिंग्स भी नहीं है, यार इनका तो कोई बैटिंग ही नहीं है। तो हुआ ये कि दुनिया ने जब ओडीआई क्रिकेट खेलना शुरू की तो चंद मैचेस लगे, रैंकिंग्स ऊपर नीचे आगे पीछे टॉपल हो गए। 900 दिन बाद शुभमन गिल ने रिप्लेस किया, वेल डिजर्विंग शुभमन गिल, क्योंकि इस साल का जो आगाज शुभमन गिल ने किया
सॉस बकलिंग एक डबल सेंचुरी आई, फिर सेंचुरीज की तादाद लगी. अनफॉर्चुनेट हुआ वर्ल्ड कप में उसका आगाज के डेंगी से ही वॉज डाउन एंड ही टुक कपल ऑफ मैचेस टू रिकवर एंड टू प्ले अगेंस्ट एनी टीम इन दिस वर्ल्ड कप. हालांकि शुभमन के लिए कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप मैच नंबर वन से खेलेगा, ये टूर्नामेंट शुभमन का होगा. अभी तक शुभमन का ये टूर्नामेंट उस तरह हुआ नहीं है जिस तरह टेक्निकली होना चाहिए था. हालांकि आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, सचिन तेंदुलकर जो वैसे तो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस वर्ल्ड कप के, कल वो वानखेड़े स्टेडियम पहुंच गए और उन्होंने 2 घंटे अफगान टीम के साथ गुजारे, एक एक प्लेयर को ले जाकर. चूंकि वो मुंबई के हैं, मुंबई की इस पिच को और इनकी कंडीशंस को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेजबान मुल्क के दिल में भी ये है कि अफगानिस्तान को थ्रू करवा दिया जाए सेमीफाइनल में. ने बताया कि सचिन तेंदुलकर जो हैं, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं आईसीसी वर्ल्ड कप के, वो अभी तक तो मैंने नहीं सुना था किसी और टीम के साथ गए हों और जाकर उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर, इतना बड़ा खिलाड़ी है वो कहीं भी जाए तो ऑब्वियसली खबर बनती है, खबर बनती है, लोग अदब से खड़े होंगे, उसकी बात भी सुनेंगे. तो उन्होंने जाकर उनको समझाया बुझाया, जो भी किया, ट्रिक्स बताएंगे इस ग्राउंड में क्या होता है क्या नहीं होता. तो वही देख कर, ये जो 3 मैचों के रिजल्ट मैं वर्ल्ड कप के आपको बता रहा हूँ, इसी को देख कर हो सकता है कि अफगानिस्तान ने ये फैसला किया हो या सचिन ने उनको कहा होगा तुम पहले बैटिंग करो, सेकंड टाइम में जो भी टीम बैटिंग करती है वो फंसती है, सीम होता है, व्हाटएवर. तो ये वजह हो सकती है. टूर्नामेंट से पहले ये बात हुई थी कि जी कौन इस साल का टॉप यंग प्लेयर होगा, तो शुभमन हर किसी की जबान पे शुभमन था, लेकिन शुभमन गिल राइटली सिटिंग एट द टॉप एज द नंबर वन ओडीआई बैटर एंड मोहम्मद सिराज राइटली सिटिंग एट द टॉप एज द नंबर वन ओडीआई बॉलर. शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस किया, शाहीन शाह अफरीदी की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद 10 ओवर में 90 और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप डाउन हो गए 5वें नंबर के ऊपर और बाबर आजम और शुभमन गिल का 6 पॉइंट्स का डिफरेंस आके शुभमन गिल नंबर 1 है, बाबर आजम नंबर 2 पे हैं, विराट कोहली नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं और विराट कोहली भी हम मार्जिन कम करते जा रहे हैं. जो परफॉर्मेंस बाय द वे विराट की है, और अगर इसी तरह परफॉर्मेंसेस रही तो कोई मेरे ख्याल से इसमें अचंबा नहीं है कि बाय द टाइम ये वर्ल्ड कप एंड हो और विराट अगर इसी तरह परफॉर्म करते रहे, टीम इंडिया इसी तरह परफॉर्म करती रहे, तो कोई पता नहीं आप शायद विराट कोहली को शुभमन गिल को भी सरपास करते हुए अपने 16 साल इंटरनेशनल करियर के बाद भी शायद वो नंबर वन ओडीआई बैटर ये वर्ल्ड कप खत्म करें. एम्पायरिंग की अगर हम बात करें तो एम्पायर्स मुझे नहीं पता आईसीसी ने किन लोगों को एम्पायर रखा है. मैं सही बताऊं, मेरे मोहल्ले से ले लें 2-4 लड़के, वो अच्छा कर लेंगे. नसीम भाई एम्पायर्स को हो क्या दिया है? जहां पर हम देखते हैं मैक्सवेल को गलत LBW दे दिया, वो बेचारा वैसे इंजर्ड था, जाने लगा, जब रिव्यू हुआ तो वो रुककर बेचारा वापस आया, बड़े मजे से LBW दे दिया. ये गलतियां इनकी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं. उसके बाद इन्होंने मिचेल स्टार को आउट दिया, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, बाद में वो पता चलता है वो तो एज ही नहीं लगा था. तो ये एम्पायर्स किसके कहने पे चल रहे हैं? क्या मतलब BCCI का जिस पे ज्यादा शफकत भरा हाथ है जिस टीम के ऊपर, उसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो खुला दिख रहा है, बिल्कुल शफकत नजर आती है. देखिये ना, कल अगर मैं देखता हूँ सचिन तेंदुलकर को कि वो जाते हैं और 2 घंटे लगाते हैं अफगान क्रिकेट टीम के साथ, उनका होम ग्राउंड वानखेड़े, मुंबई से उनका ताल्लुक है, हालांकि वो ब्रांड एम्बेसडर है इस पूरे वर्ल्ड कप के. अगर प्लेयर जाता वो जाके अगर गाइड करता तो समझ में आता, क्योंकि सचिन तेंदुलकर यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होल वर्ल्ड कप. आप हर टीम के ब्रांड एम्बेसडर हो, अगर वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हो, आप किसी एक टीम के एम्बेसडर नहीं हो. लेकिन सचिन का कल जाना, जाके उनको उनका हौसला बढ़ाना, उनको गाइड करना इस ग्राउंड में, उनका होम ग्राउंड है, चीज़ों के बारे में बताना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं देखे आज अगर अफगानिस्तान मैच जीतता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है, बिल्कुल. इस वजह से हो रहा है कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है इंडिया से. अफगानिस्तान के बारे में हम अक्सर बात ये करते रहते हैं कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, तो जो हमारे अफगान भाई हैं, और वाकई में आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, जितनी जीत के करीब चले गए थे. देखें आज मैक्सवेल के साथ 25 करोड़ अपनी भी दुआएं थी, क्योंकि हमें पता है कि अफगानिस्तान अगर आज मैच जीत जाती है तो फिर बहुत ही मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खड़े हो जाएंगे नजर आ रहा था. वर्ल्ड कप जब शुरू होने वाला था तो ओडीआई रैंकिंग में पाकिस्तानी बैटर और बॉलर्स की हुक्मरानी थी, मगर जब एक पहला राउंड तकरीबन खत्म होने को है तो भारतीय बॉलर्स और बैटर छाए हुए हैं. बाबर आजम की लगभग 2 वर्ष की हुक्मरानी पर शुभमन गिल का कब्जा हो चुका है. अगरचे 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है, मगर अब शुभमन गिल ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं.